हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मिनियक प्रेजेंटेड बाय एएस डेवलपर्स। फ्रेंड्स, ये दोनों ऐप्स का इंपॉर्टेंस मैं बता चुका हूँ पहले ही, तो आप इन्हें ज़रूर डाउनलोड कीजिए अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी के लिए। एंड ऑल्सो बहुत जल्द हम एक नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आप नोट्स बना पाएंगे और उसमें बहुत सारा अपना डाटा जो भी होगा आप स्टोर करके रख पाएंगे। बहुत अच्छा उसमें फ़ीचर रहेंगे, आप उसे भी ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स एंड द हिंदू एनालिसिस ऑफ अगस्त 20th and 21st 2018। फ्रेंड्स, वैसे कई बार क्या होता है ना कि न्यूज़पेपर में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ना ज़्यादातर न्यूज़ कई बार नहीं मिलती है रेलेवेंट, तो इसीलिए मैं कभी कभी क्या करता हूँ ना कि दो दिन का एक ही में कवर कर लेता हूँ। सो इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो वीडियो थोड़ा लेंथी अच्छा बन जाता है, ताकि आप एक ही वीडियो में दो दिन का इवेंट भी कवर कर पाएंगे तो आपके लिए भी टाइम बच जाता है। तो इसीलिए जब कभी न्यूज़ कम रहती है तो मैं दो दिन का एक ही में कवर कर देता हूँ। ओके, एंड एक और बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इन वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, तभी ये आपके लिए मैक्सिमम बेनिफिशियल सिद्ध होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है, व्हाट डज द फॉलिंग रुपी मीन फॉर यू एंड इकॉनमी। तो ये एक ना कंसेप्चुअल टाइप का न्यूज़ था, मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसको ना बड़े ध्यान से समझना आप सब लोग, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू इन्फ्लेशन, जब एज यू ऑल नो कि रुपी की वैल्यू इन दिनों थोड़ी कम हुई है डॉलर के मुकाबले, है ना, तो उसका क्या इफेक्ट होता है। व्हाट हैपन्स टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पे क्या होता है। वन ऑफ द फर्स्ट विजिबल इफेक्ट्स ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन इज द कंट्रीज इम्पोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड एक्सपोर्ट्स चीपर। Obviously, the reason is simple. It takes more rupee to pay for the same quantum of imports and fewer dollars for a buyer to pay for the same quantity of exports. ये line समझ में आई? इसमें कह रहे हैं कि अगर बाहर से कुछ import करना होगा, अगर value rupee की कम है तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, और अगर इंडिया से कुछ चीज़ बाहर जाएगी तो comparatively जो बाहर के buyers हैं वो कम पैसा देंगे क्योंकि value कम है अपने रुपये की। तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, है ना, उस पर हमको कम पैसा मिल रहा है और जो इम्पोर्ट होते हैं वो हमको महंगे हो गए हैं। मगर इसका एक और की पॉइंट बता दूं कि जब एक्सपोर्ट्स सस्ते हो गए हैं ना तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि बाहर के बायर को क्या लगेगा कि वैल्यू जो है वो हम कम दाम में ज़्यादा सामान ले सकते हैं इंडिया से, तो एक्सपोर्ट बढ़ता है। एक्सपोर्ट की हमेशा वैल्यू बढ़ती है जब भी डिप्रिसिएशन होती है, और इम्पोर्ट हमेशा कम होगा, इंपोर्ट की वैल्यू कम होगी, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। सो मोर एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स आर लाइकली टू ड्राइव इन्फ्लेशन अपवर्ड, स्पेशली इन इंडिया वेयर इनपुट प्रोडक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर इंपोर्ट्स। इन एडिशन, अ डेप्रिशिएटिंग रुपी ऑल्सो इम्पैक्ट द ऑयल इम्पोर्ट बिल, सिंस इट कॉस्ट्स मोर रुपी पर बैरल ऑफ ऑयल, विच प्लेज इट्स ओन पार्ट इन पुशिंग इन्फ्लेशन अप, है ना। तो अब क्या है, इसमें बताया गया है कि ऑयल के ऊपर भी इसका असर ऑब्वियसली पड़ता है, क्योंकि इंडिया अपनी मैक्सिमम नीड्स के लिए इंपोर्ट पे ही निर्भर करता है ऑयल के। तो जब इंपोर्ट के लिए निर्भर कर रहा है इंडिया, तो अगर वैल्यू रुपी की कम है तो ऑयल इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट चीज़ है, व्हाट हैपन्स टू जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी पे क्या असर पड़ता है डेप्रिसिएशन का मनी की। दिस इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन given the number of factors that affect GDP growth. On the one hand, consider inputs and subsequent increase in the price of finished goods should have a positive impact on GDP. But consequent decrease in demand due to higher price could nullify this. So, इसका क्या मतलब है कि अब देखो कि prices बढ़ेंगे, है ना, inflation बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, जीडीपी के लिए इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ होती है, एक माना जाता है, ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है कि अगर इन्फ्लेशन थोड़ा होगा तो वो जीडीपी की ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। बट ऑन दी अदर हैंड क्या हो रहा है कि लोगों को अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए, है ना, तो वो लोग सामान को परचेज ही नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जीडीपी में डिक्रीज आएगा, राइट। दिस इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड यूजिंग द टेक्स्ट बुक फार्मूला ऑफ एग्रीगेट डिमांड इक्वलिंग द सम ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। ओके, अ डेप्रिशिएटिंग रुपी सर्टेनली अफेक्ट द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू।
since exports are likely to receive a boost while imports could flag somewhat, it remains to be seen what impact a reduction in household consumption would have on demand, especially when the festival season is nearing. ठीक है, so next है, what does this mean for you? अब आम आदमी पे इसका क्या असर होगा? A depreciating rupee means higher prices of goods and services, costlier petrol and trips abroad turning more expensive. So friends, आपके और मेरे जैसे आम जनता के लिए क्या है कि सब कुछ महंगा हो जाएगा. On the flip side, domestic tourism could grow as more tourists visit India since their currency now buy more here. In the medium term, export oriented industries may also create more jobs. ठीक है, अब हमारे लिए तो बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा और हमारे लिए जो चीज़ें हैं महंगी हो जाएंगी, मगर जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए इंडिया में स्कोप अच्छा रहेगा क्योंकि उनको सस्ता दिखाई देगा यहाँ पे, तो वो उनका टूरिज्म आना यहाँ पे रहेगा, है ना. और हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो बढ़ेगी क्योंकि वहाँ के लोग अब ज़्यादा डिमांड करेंगे, बाहर के लोग ज़्यादा इंडिया से डिमांड करेंगे क्योंकि उनको सस्ते में माल मिल रहा होगा, तो ये भी इसका है. तो इसमें क्या है, दोनों चीज़ें एक्सप्लेन्ड है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है. अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे मैंने समझाया भी है आपको, कि जब रुपये की डेप्रिसिएशन हुई है तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है जीडीपी पे, एक आम आदमी पे और इन्फ्लेशन पे. ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. अगर नहीं हुई तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और इसको पूरा ढंग से दोबारा से देखिए और नोट कीजिए अपने पास. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज अनदर स्ट्रॉन्ग क्वेक हिट्स लॉम्बॉक. सो फ्रेंड्स, इस तरह की न्यूज़ को ना हम मेंस में मेंशन कर सकते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग रिलेटेड है ये, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है रेफरेंस देने के लिए. अ स्ट्रॉन्ग 6.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक रॉक्ड द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ लॉम्बॉक ऑन संडे, सेंडिंग पीपल फ्लीइंग इनटू द स्ट्रीट्स जस्ट 2 weeks आफ्टर अ क्वेक विच किल्ड मोर देन 460 पीपल. The quake was centered west southwest of Bilanting town in East Lombok. The US Geological Survey said at a relatively shallow depth of 7 kilometers. So depth kya thi jo iske center tha, sirf 7 kilometer. Okay, there were no immediate reports of deaths or injuries from the latest tremor. The earthquake caused people to panic and flee their houses. नेशनल डिजास्टर एजेंसी स्पोक्समैन जो हैं उनके, जिनका ये नाम है कॉम्प्लेक्स सा, टोल्ड द मेट्रो टीवी वी आर स्टिल चेकिंग, ये उन्होंने कहा. ठीक है, द ट्रिमर वॉज ऑल्सो फेल्ट इन द आइलैंड्स कैपिटल मतारम एंड ऑन द नेबरिंग रिजॉर्ट आइलैंड ऑफ बाली. तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. ये फ्रेंड्स थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगा, इसको देखना ध्यान से. हाफ ऑफ द फार्म हाउसहोल्ड्स इनडेप्टेड नबार्ड स्टडी. More than half of the agricultural households in the country have outstanding debt and their average outstanding debt is almost as high as the average annual income of all agricultural households according to a recent survey by the National Bank of Agriculture and Rural Development. ठीक है, the NABARD All India Rural Finance Inclusion Survey 2016-17 covered a sample of 1.88 lakh people from 40,327 rural households. Only 48% of these are defined as agricultural households which have at least one member self-employed in agriculture and which received more than rupees 5,000 as value of produce from agricultural activities over the past year, whether they possessed any land or not. ओके, इसमें कोई खास समझाने वाला नहीं है, आप इसको पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही रहा होगा. नबार्ड फाउंड दैट 52.5% ऑफ द एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स हैड एन आउटस्टैंडिंग लोन ऑन द डेट ऑफ द सर्वे एंड दस वर कंसीडर्ड इंडेप्टेड. फॉर नाउ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स इन द रूरल इंडिया दैट फिगर वॉज 10% पॉइंट लोअर एट ओनली 42.8%. सो फ्रेंड्स, बेसिकली इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है. ठीक है, जो उनकी इनकम से भी ज़्यादा है, बेसिकली ये फंडा है इस न्यूज़ का सारा. और अगर इसमें से आप और भी ज़्यादा थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो ये आर्टिकल बहुत लंबी थी न्यूज़ में,
मगर जो इसका ब्रीफ है ना वो सारा इसी इमेज में है जो मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो आप इस न्यूज़ को समझ लेंगे कि वैसे बेसिकली फिगर्स दिए हुए हैं इसमें कि इतना परसेंट था, ये था, वो था, तो बस समझने वाली बात ये है कि डेब्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है किसानों के ऊपर, जिस वजह से वो आपको पता ही है सुसाइड्स वगैरह का केसेस चलता रहता है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा, जो कि एक समस्या है हमारे देश की, इसको सुधारना चाहिए। अगर आप IAS ऑफिसर बनते हैं तो इसे सुधारना जरूर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कंसोर्टियम लैंडिंग लेड टू मोर NPAs, ये भी उसी तरह से रिलेटेड न्यूज़ है। कंसोर्टियम लैंडिंग ऑफन लेड टू इनऑर्डिनेट डिलेज इन द लोन अप्रेजल एंड रिजल्टेड इन स्वेलिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPAs इन द बैंकिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू द रजनीश कुमार, चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कंसोर्टियम बैंकिंग एज इट वॉज कॉल्ड टिल मिड 90s लेटर बिकम मल्टीपल बैंकिंग फॉलोइंग कंप्लेंट्स ऑफ डिले इन अप्रेजल प्रोसेस, बट इवन दिस डिड नॉट रिजल्ट इन फास्टर डिसीजन मेकिंग, मिस्टर कुमार सेड एट अ FICCI IBA सेमिनार ऑन मंडे। फ्रेंड्स, इसमें आपका मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको FICCI के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, इसके बारे में पढ़िए कि ये क्या होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इट हैड लेड टू मोर NPAs ही opined, blame of sharp rise in NPAs over the last few years between bankers, the government, corporates and even the judiciary, he said everyone was responsible for the situation. Okay friends, so next news hai, China tariffs to raise costs from cradle to grave in US, a broad cross section of US businesses has a message for the Trump administration, new tariffs on $200 billion of Chinese imports will force Americans to pay more for items they use throughout their daily lives from cradle to coffins. So friends, इसके बारे में मैंने आपको last कुछ DNS पहले भी बताया था कि जो ये USA द्वारा जो ये टैरिफ लगाया गया है $200 billion का, तो इसमें पहले भी बताया गया था कि जो ये लगाया जा रहा है ना, तो इसका असर जो होगा वो वहाँ के आम जनता पे ही आने वाला है। ओके, 6 days ऑफ पब्लिक हियरिंग ऑन द प्रपोज्ड ड्यूटीज ऑफ अप टू 25% विल स्टार्ट ऑन मंडे इन वॉशिंगटन एज पार्ट ऑफ प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स एंड द US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स एफर्ट्स टू pressure Beijing for sweeping charges to its trade and economic policies. Unlike previous round of US tariffs, which sought to shield consumers by targeting Chinese machinery, electronic components and other intermediate goods, thousands of consumer products could be directly hit with the tariff by later September. Okay friends, I hope this news is also clear to you. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का सेशन ओवर होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, वी रियली नीड योर सपोर्ट, अप्रिसिएशन चाहिए हमें आपकी, ताकि हम इससे भी बेटर और अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकें, ताकि आप IAS ऑफिसर बन सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। साथ ही कमेंट करके हमें बताइए अगर आपको कुछ और सहायता और भी कुछ चाहिए हमसे, हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।